भारत सरकार द्वारा निकाली गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का 12 दिवसीय पड़ाव भिलाई निगम क्षेत्र में रहेगा। इस दौरान 24 कैंप के माध्यम से निगम भिलाई अलग अलग वार्ड में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना का प्रदर्शन, लाभान्वित हितग्राहियों के लघु प्रदर्शन के साथ भिलाई निगम क्षेत्र के नागरिकों का योजनाओं से लाभान्वित करने फॉर्म भी भराया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगाए जाने वाले कैंप में अधिक से अधिक लोग शामिल हो और योजना का लाभ ले सकें, इसके लिए निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में मुनादी कराई जाएगी। वार्डों में आयोजित होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा निर्धारित तिथि 22 दिसंबर से सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे तक 2 पालियों में आयोजित होगी। नोडल अधिकारी प्रीति सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं डाटा सेंटर के प्रभारी दीप्ति साहू की उपस्थिति में निगम, जिला स्वास्थ्य विभाग, बैंकर्स, गैस एजेंसी सहित यात्रा में संलग्न सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित कर तैयारी को अंतिम रूप दिया और पूरे कार्यक्रम में गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा लगभग 12 दिनों के लिए भिलाई पहुँचेगी। कार्यक्रम स्थल में सफाई, बिजली, पानी सहित मूलभूत व्यवस्था निगम की ओर से प्रदान की जाएगी, जिसके लिए जोन आयुक्त व अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक यात्रा निकाला है, जिसमें एक वाहन पर केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके संबंध में पूरे प्रदेश में घूम रही है। वो 22 दिसंबर को भिलाई नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, जिसका पड़ाव 12 दिन तक नगर निगम क्षेत्र में रहेगा, जिसमें 24 कैंप के माध्यम से अलग अलग निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में वो जो बस है उसे ले जाया जाएगा और उसके जहां कैंप रहेगा वहां पे जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड जैसे योजनाओं के हितग्राहियों को फॉर्म भरवाए जाएंगे और जो हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं उनका उस बस के माध्यम से लघुकृत फिल्में दिखाई जाएंगी, सक्सेस स्टोरी दिखाया जाएगा। वार्डों में लगने वाले शिविर में आयुष्मान कार्ड बनाने, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, आधार कार्ड अपडेशन, पीएम स्वनिधि के व्यावसायिक लोन, मुद्रा लोन, पीएम आवास से संबंधित स्टॉल भी लगाए जाएंगे, ताकि केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को लाभ दिलाया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।